एवरीवन, तो मैं प्रगति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आपको तो पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जाने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में जानकारी ले लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। पाँच सौ साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर रानी दुर्गावती ने स्थापित किया था और ये विजय का मंदिर माना जाता है। आज भी सावन महीने में लोग यहाँ पे झंडा चढ़ाते हैं। झंडा चढ़ाने की बहुत पुरानी प्रथा है यहाँ पे और लोगों की मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं। और ये देखिए, कुछ मैं फ़ोटोग्राफ्स आपको शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से सावन महीने में लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में। तो ये मदन महल में है और हम भी यहाँ पे गए और ये रानी दुर्गावती के किला के एकदम पास में ही है। ये वही जगह है जहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि चारों तरफ बड़े बड़े झंडे दिखाई देते हैं और काफ़ी दूर से लोग पैदल चलकर यहाँ तक चढ़ाई करते हैं और आते हैं, क्योंकि ये खुद ही बहुत पहाड़ मतलब पहाड़ पे है ये मंदिर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सिटी का पूरा व्यू दिख रहा है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, मंदिर के जस्ट पास में रानी दुर्गावती का किला है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब जो नेक्स्ट हमारा ब्लॉग आने वाला है उसमें मैं दिखाऊंगी रानी दुर्गावती का किला। तो मंदिर की चढ़ाई के पहले ही ये शनि भगवान जी का मंदिर पड़ता है और इसके पास में ही रानी दुर्गावती का किला भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं रानी दुर्गावती के किला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।